ये निर्णय आज प्रमुख तौर पर लिया गया है कि 5 सितंबर को हम लोग काला दिवस मनाएंगे। विद्यालय में काली पट्टी बांध करके अपना कार्य, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे, अपना जो शिक्षण कार्य है वो करेंगे, लेकिन काली पट्टी बांध करके सरकार को ये संदेश देंगे कि सरकार जो दमनकारी नीतियां अपना रही है, जो दमनकारी फैसले ले रही है, सरकार के खिलाफ शिक्षक हैं और शिक्षक उससे नाराज हैं, ये हम लोग काली पट्टी बांध कर दिखाएंगे। आधारभूत चीज़ों की जहाँ कमी नज़र आ रही है उसको आपको दूर करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान नहीं है। और शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए रोज़ नए नए फरमान जो आप निकाल रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा जिस दिन 2-4 पत्र निर्गत नहीं होता है। 9 तारीख का जो है तय हुआ है संगठनों का कि जो है हम लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जो है प्रखंडों पर, अपने अपने प्रखंड कार्यालयों पर जो है जिला में जो है जिला मुख्यालयों में जो है उनका पुतला दहन करेंगे। सर आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। शिक्षक संघ के द्वारा आज बैठक किया गया है, तमाम जो शिक्षक संघ हैं वो एकजुट होकर बैठक किए हैं और क्या कुछ निर्णय हुआ है हम इनसे जानते हैं, क्या कुछ निर्णय आप लोग लिए हैं? देखिए, निर्णय आज प्रमुख तौर पर लिया गया है कि 5 सितंबर को हम लोग काला दिवस मनाएंगे। विद्यालय में काली पट्टी बांध करके अपना कार्य, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे, अपना जो शिक्षण कार्य है वो करेंगे, लेकिन काली पट्टी बांध करके सरकार को ये संदेश देंगे कि सरकार जो दमनकारी नीतियां अपना रही है, जो दमनकारी फैसले ले रही है, सरकार के खिलाफ शिक्षक हैं और शिक्षक उससे नाराज हैं, ये हम लोग काली पट्टी बांध कर दिखाएंगे। ये 5 सितंबर को होगा और 9 सितंबर को सभी शिक्षक अपने अपने प्रखंड मुख्यालय में पुतला दहन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का। इससे सरकार को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि आप जो फैसले ले रहे हैं सरकार के खिलाफ शिक्षक उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। 5 तारीख और 9 तारीख का आंदोलन फिलहाल तय हुआ है और आगे का आंदोलन हम लोग अगली बैठक में तय करेंगे। क्या जिस तरह से KK पाठक वो फरमान निकाले उसके लिए या नियोजित राजकर्मी दर्जा के लिए? देखिए, हम अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए कर रहे हैं। हमारा हक है, हमारा अधिकार है राजकर्मी का दर्जा। और जो सरकार ध्यान भटकाने के लिए कभी बोरा बेचो तो कभी कबाड़ बेचो तो कभी छुट्टी काटो ये सब कर रही है, हम लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, लेकिन हम लोग अपने मूल उद्देश्य और लक्ष्य से भटकने वाले नहीं हैं। हमारा लक्ष्य राजकर्मी का दर्जा है और हमारा संघर्ष उसी के लिए है। मतलब जो फरमान लाए जा रहे हैं आप लोगों को लक्ष्य से भटकाने के लिए लाए जा रहे हैं? बिल्कुल, सरकार जो है हम लोग को तरह तरह का फरमान ला करके हमारे जो मूल उद्देश्य है उनसे भटकाने का प्रयास कर रही है और हम लोग सरकार के इस कुचक्र में नहीं फंसने वाले हैं। हम शिक्षक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम समझते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और उसी के लिए हम संघर्ष करेंगे। क्या कहिएगा आप लोग जिस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं फिर भी सरकार नहीं सुन रहे हैं, 5 तारीख को आप लोग काला पट्टी बांधकर काला दिवस के रूप में मनाइए, कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम बिहार के तमाम शिक्षक कभी नहीं चाहते हैं कि हम पठन पाठन का कार्य छोड़ करके और सरकार विरोधी कार्यक्रम करें, हड़ताल करें, धरना करें, प्रदर्शन करें। बिहार का कोई शिक्षक नहीं चाहता है क्योंकि हमारा कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना और हम लोग बिहार के सारे शिक्षक तन मन से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य भी करते आ रहे हैं, जिसका परिणाम भी दिखता है। मैट्रिक का रिजल्ट निकलता है, इंटर का रिजल्ट निकलता है तो सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन वह किसकी बदौलत होता है? शिक्षकों की बदौलत होता है। तो मेरा कहना यह है कि जो आधारभूत चीज़ों की जहाँ कमी नज़र आ रही है उसको आपको दूर करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान नहीं है। और शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए रोज़ नए नए फरमान जो आप निकाल रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा जिस दिन 2-4 पत्र निर्गत नहीं होता है। अभी हाल ही में आप देखिए, कई महत्वपूर्ण त्यौहार सरकार जो है बिहार में 50% महिलाओं को शिक्षिका के पद पर नियुक्त किया है और जिस राज्य में आधी आबादी शिक्षिकाओं की हो और उस राज्य में शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण त्यौहार रक्षाबंधन, तीज और जुतिया तो ऐसा महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसमें महिलाएं पूरी तरह निर्जला व्रत करती है और उस निर्जला व्रत में उनकी छुट्टी को आप रद्द कर दें, सोचनीय बात है कि दिन भर इतनी गर्मी में वह महिलाएं विद्यालय में बेहोश होकर के गिर जाएंगी। लेकिन आप लोगों को तो मूल मांग था कि राजकर्मी का दर्जा, तो आप भटक तो रहे हैं। आप लोग कभी ना भटके हैं ना भटकेंगे, हमारा मुख्य मुद्दा राजकर्मी का है और राजकर्मी के मुद्दे को लेकर के आज भी हमारा यही मुद्दा है। राजकर्मी यह तो तत्कालिक घटना, जैसे 1857 की विद्रोह में चर्बी वाली कारतूस की घटनाएं घटी और उसकी वजह से बगावत जो है फूट गया, वही स्थिति है। ऐसा नहीं आने के लिए कर रहे हैं हम, बिल्कुल नहीं है। तो तत्कालिक
कारण बन गया है इस आंदोलन का, जिसको लेकर के शिक्षक उग्र हो गए। अदरवाइज हमारी जो मुख्य मांग है राजकर्मी का, हम उसी मुद्दे पर आज भी अडिग हैं और हमारी मुख्य मांग राजकर्मी का दर्जा प्रदान करते हुए और ये तुगलकी फरमान जो हमारी छुट्टियां निरस्त की जा रही है इसको आप वापस लें, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। अन्यथा हम लोग सांकेतिक हड़ताल 5 तारीख को काली पट्टी बांध कर करेंगे। 9 तारीख को पुतला दहन का कार्यक्रम प्रखंड मुख्यालय में निर्धारित किया गया है, उसे हम लोग करेंगे। 9 तारीख को किस रूप में आप लोग किस तरह से जिला मुख्यालय पर पुतला दहन करेंगे? 9 तारीख का जो है ये तय हुआ है संगठनों का कि जो है हम लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जो है प्रखंडों पर अपने अपने प्रखंड कार्यालयों पर जो है जिला मुख्यालयों में जो है उनका पुतला दहन करेंगे। देखिए तो आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का कर रहे हैं तो इसमें सरकार से डर नहीं लग रहा है? जिस तरह से आप लोग पिछले बार प्रदर्शन किए थे तो कई शिक्षकों को निलंबित कर दिए, तो डर नहीं लग रहा कि ऐसे करिएगा तो आप लोग? विरोध प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अगर हम अपने संवैधानिक अधिकार एक शिक्षक के नहीं ले सकते हैं फिर हम बच्चों को क्या अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? फिर सरकार हमसे गुणवत्तापूर्ण की शिक्षा की उम्मीद कैसे कर सकती है? हमारा काम है एक समाज को बनाना, एक विरोधपूर्ण एक डर के खिलाफ समाज को बनाना, एक संविधान को समझने वाली समाज को बनाना। अगर हम खुद संविधान को नहीं समझे, खुद हम संविधान अपने अधिकार को नहीं ले सके, हम कैसे शिक्षक हुए? हमें डरना नहीं है, हमें डर के खिलाफ जाके हमें अपने अधिकार में रहते हुए हमें संविधान ने जो अधिकार दिया है उसके लिए हमें लड़ना है। क्या सर डर लग रहा है कि जिस तरह से पिछले बार निलंबित कर दिया गया इस बार आप लोग अगर इस तरह से अपना प्रदर्शन दिखाएंगे तो सरकार इस पर कार्रवाई करेंगे? सरकार तो कार्रवाई जो करना है वो कर ही रही है, लेकिन मूलतः जो हम बच्चों में स्वाभिमान भरते हैं, संविधान के प्रति जानकारी देते हैं, तो अभी चाहे वो राजकर्मी का दर्जा की मांग हो या सरकार की दमनकारी नीति के तहत छुट्टियों को रद्द करना हो, ये संविधान के विरुद्ध है। तो संविधान के विरुद्ध जो सरकार के कार्य हैं उसके खिलाफ हमारा विरोध है, ये विरोध निरंतर चलेगा। जो भी संगठन निर्णय ली है क्रमबद्ध आंदोलन का, उसमें बिहार के पूरी शिक्षक जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका हर जगह हर केंद्र पर उनका समर्थन होगा। देखिए तो तमाम शिक्षक संघ के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि आने वाले जो 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस दिन इन लोग विद्यालय में काला पट्टी बांध कर प्रदर्शन करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे, और जिस तरह से कहें तो आने वाले 9 तारीख को इन लोग हरेक जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन भी करेंगे। इस तमाम खबरों को न्यूज़ पोनेशन के साथ नमस्कार।